सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, मैं रोज की तरह आज फिर आपके लिए डेयरी फार्म पे एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हमारे एक बड़े भाई के समान है, जो कि बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म की आप देख रहे हैं, जो कि इनके पास करीब 12 से 15 गाय हैं। किसान भाई, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज हम उन्हीं बड़े भाई के पास आए हैं जो कि बहुत ही दिनों से जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे पैमाने पर चला रहे हैं। इनके पास जो गाय हमको देखने को मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाय देखने को मिल रही हैं। काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पे आके चला जा रहा था, क्योंकि हमको उतना जो कि बड़े भैया यहाँ पे रहते हैं वो थे नहीं, तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आके आया हूँ तो बड़े भैया जो है मिले, जो कि वो चारा की तैयारी कर रहे थे। और इस समय इनके पास जो कि 12 से 15 गायें हैं, इसमें से सभी गायें जो है दूध दे रही हैं और सभी गायें 15 लीटर प्लस 25 लीटर अब तक सभी गायें दूध देती हैं। किसान भाइयों, जो किसान भाई डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं और या डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं, वो आके एक बार अगर इस भाई से मिलना चाहते हैं तो एक बार आके उनसे ज़रूर मिलेंगे, जो कि ये एड्रेस जिला अम्बेडकर नगर बेला ग्राम सभा है, आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ आपको दे दूँगा। किसान भाइयों, हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये फॉर्म बनाया गया है जो कि 3 ए का है पूरा, इसकी हाइट जो है करीब 15 फीट के आसपास की है लगभग, मेरे अंदाज से जो हमको दिखाई पड़ रहा है। किसान भाइयों, गर्मी के टाइम चल रहा है यहाँ पे, इस समय जो क्या होता है गर्मी के टाइम में गायें जो है दूध देना बहुत ही कम कर देती हैं, तो हिसाब से जो इस ठंडी के टाइम में गायें बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो इनके पास करीब 1 क्विंटल से प्लस का दूध होता था और इस टाइम पे इनके पास करीब 50 से 70 लीटर के बीच में दूध हो रहा है। तो काफ़ी किसान भाई ऐसे थे कि जो कि कमेंट करके पूछ रहे थे कि किसान भाई कि किस गाय में ज़्यादा फायदा है या भैंस में। जो किसान भाई इसी भ्रम में जी रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि जो किसान भाई दूध का फार्मिंग करना चाहते हैं, दूध के फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए गाय बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गाय में दूध की मात्रा सबसे अधिक होती है और जो कि इस समय जो गाय आ रही हैं ये 15 लीटर प्लस से लेकर 30 लीटर तक गायें मिल जा रही हैं। और जो कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो कि हम जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ भी अब अच्छी नस्ल की गायें मिलना प्रारंभ हो गई हैं और ये गायें लगभग सब 15 लीटर से प्लस और 25 लीटर के बीच में सभी दूध देती हैं। और इन गांव में क्या है कि अभी थोड़ी दूध को सेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे तत्काल जो है जो कुछ किसान ऐसे हैं जो कि पैसे का अच्छे से मिल नहीं पाता है, जब पैसे ले जाके देते हैं पैसों को कुछ दिनों बाद दिया जाता है, तो इसी कारण से कुछ किसान ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं तो डेयरी चलाते चलाते छोड़ देते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बड़े पैमाने कर रहे हैं, अगर आपके पास 1.5-2 क्विंटल दूध अगर होने लगे तो आप ले जाके शहर में सेल करेंगे, अगर दूध को आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा और अच्छी प्रॉफिट भी हो जाएगी। तो हमने आपको दिखाया कि जो गायें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जो कि भैया इस समय चारा डाल रहे हैं और चारा डालने सुबह इन्होंने दूध निकाल के सभी गायों को चारा दे दिया है, उसके बाद जो है सुबह का टाइम था, अब नहलाएंगे इनको अच्छे से। क्या होता है कि गर्मियों में गर्मी होने के कारण से गाय थोड़ा वीक सा महसूस करती हैं। और ऐसा ही अगर आप ये डेयरी फार्म करेंगे, अगर एक बार आप कहीं जॉब या इस समय जो जॉब की कमी है, अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे तो ये गाय का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप 5 से 7 लाख रुपए लगा देंगे और बेहतरीन तरीके से, अगर हाँ आप खुद स्वयं ही उसमें लगे रहेंगे तो काफ़ी अच्छी बेनिफिट आपको मिल सकती है। किसान भाइयों, आज मैं इतना ही वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको यहाँ पे यहाँ को जो खुले में बनाया गया है यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बनाया गया है, जो कि हमारे भैया जी ने बनवाया है। और यहाँ पे अगर आप बनवाएंगे तो ऐसे खुले में बनवाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी फार्म में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, गर्मी बहुत कम होगी, ठंडी के टाइम में उच्चतम व्यवस्था होगी, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। किसान भाई, हम आपको दिखाएंगे भैया जी ने खुद के
चारे को काटने के लिए यहाँ पे अच्छी मशीन भी लगवाया है। मशीन लगवाने के बाद भी जनरेटर की भी व्यवस्था की इन्होंने, देख रहे हैं आप, देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लाइट का कनेक्शन नहीं लिया, इन्होंने जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो कि अभी जब मैं आया तो यहाँ पे भैया चला के जो है चारा बाल रहे। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं या डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।